हेलो गाइस, आज हम मेड इन एबिस का सीजन 2 का एपिसोड 3 करेंगे। पिछले एपिसोड 2 में आपने देखा था कि माजी काजा होलोस से मिलते हैं, होलोस के विलेज में एंटर होते हैं, जैसे कि रिको रेगोर नानाची। तो वहाँ पर माजी काजा से पूछते हैं कि तुमने हमारी व्हाइट विसल चुराई है क्या, भाई को पूछती है। तो वो बताता है व्हाइट विसल रिवर वर्टिंग स्टोन, स्टोन का काम तो हमारे यहाँ पर एक आदमी करता है। तो वो माजी काजा उनको अपने पीछे कहता है कि आओ मेरे साथ चलो, एक आदमी तो है जो स्टोन का काम करता है, उसके पास मिल जाएगी तुम्हारी चीज़, तो ठीक है। तो वो उनके पास उनके साथ चलते हैं। और इस एपिसोड के 3 का नाम है विलेज ऑफ होलो। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस जो होलो का विलेज है, इसी विलेज का नाम है इबारियो, और इस विलेज के जो कानून है, जो नियम्स है, और कैसे ऑपरेट होता है यह विलेज, क्या कौन कौन क्या काम होता है इसमें, वो सब का एक इंट्रोडक्शन चलेगा इस एपिसोड में आपको। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माजी काजा उनको स्टोन क्राफ्टिंग जो मेंबर था होलो, उसकी शॉप में लेके जाते हैं। जहाँ पर वह एंटर करते ही शॉप में देखते हैं कि जो क्राफ्टमैन है, वो जो पुरस्कार की व्हाइट विसल है, जो उसको क्राफ्ट कर रहा होता है, उसको अपने नुकीले नुकीले नखनों से उसको क्राफ्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर की सेल को तोड़कर उसको क्राफ्ट कर रहा था। तो यह चीज़ देखकर रिको एकदम चौंक जाती है कि तुम क्या कर रहे हो पुरस्कार के साथ, तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। तभी रैग भी एकदम उस पर छीनने के लिए दौड़ता है। तभी रिको उसको अचानक रोक लेती है। रैग रुको, नहीं मुझे कुछ महसूस हो रहा है, पुरस्कार को कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि रैग बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके सेल को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तभी वो पर माजी काजा बताता है हर एक जो स्टोन्स होते हैं वो अभी अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं आए हैं, ये जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है ये इन स्टोन्स को क्राफ्ट करके इनको एक एक कैसे बताऊं मैं आपको, वो ऐसे करता है और उस ऐसी चीज़ में बदलता है जिससे हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तभी नानाची कहता है क्या तुम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो। तभी माजी काजा कहता है हाँ सही पकड़े आप वही कहना जा रहा हूँ मैं, मुझे वर्ड नहीं मिलते आसानी से, इसीलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ सिर्फ। माजी काजा उन्हें बताता है, कहता है यहाँ पर जितने भी स्टोन्स हैं इन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर जब एक बार क्राफ्ट कर देते हैं इनको तो इनकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो सभी स्टोन्स का कुछ ना कुछ कार्य है, कुछ ना कुछ पावर है इन सभी स्टोनों को तब्दील करने में, कुछ ना कुछ ये किसी न किसी रैलिक की पावर को जगाते हैं। ये सब चीज़ माजी काजा उनको बताता है। माजी काजा वैल्यू शब्द का बारी बारी यूज बहुत कर रहा था। तो यह सुनकर रैग रिको जो सुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे वैल्यू क्या, किससे प्राप्त कर रहा है ये वैल्यू, किससे किसको माने जा रहा है यहाँ पर वैल्यू। तभी माजी काजा कहता है आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना आई बैरो दिखाता हूँ, यानी अपना गाँव दिखाता हूँ। तो माजी काजा के पीछे जाते हैं। नानाची माजी काजा से पूछता है माजी काजा आखिरकार तुम है क्या, तुम किस चीज़ से बने हो। तो कहता है मैं कैसे बताऊं, तुम जैसे होलो हो ना वैसे ही मैं भी तुम होलो हूँ फ्लफी वन। वो फ्लफी वन कहता है नानाची को सॉरी बट तुम तो मुझे लिविंग क्रीचर भी नहीं लगते। नानाची कहता है तुम्हारी बॉडी तो कहता है कि फिर काजा बताता है कि मेरी बॉडी स्मेल से बनी है, मुझे एक बॉडी चाहिए थी पर मुझे बॉडी नहीं मिली, तो मुझे वो वैसल मिला, ये वैसल जिसके अंदर मैं अपने स्मेल को केंद्रित इकट्ठा रख सकता हूँ और मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, ये कुछ ऐसे बताता है उनको। तो वो एक फिर उनको आगे लेके जाता है और कहता है कि ये मार्केट है, ये हमारी मार्केट है, यहाँ पर सब बार्टर सिस्टम यानी लेन देन का सिस्टम है, जिसकी सेम वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के बदले दूसरी वैल्यू की चीज़ हम ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बताता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक्री होती हैं। तो नानाची को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे केव राइडर का सामान भी होता है, जिनको को देख कर तो अचंभित हो जाती है कि यहाँ तो देखो डैग नानाची। तो कहता है देखो इधर देखो यहाँ पर केव राइडर के नक्शे हैं और इक्विपमेंट है, तो ये तो बहुत है, ये तो मैं यहाँ से कुछ लेना है मुझे इनसे। तभी वो देखते देखते एक नक्शे के पास पहुँचते, वो नक्शा उठाती है कागज़ का टुकड़ा सा और देखते हैं तो उसमें वो उसकी मोम के जो जर्नल था उसका एक टुकड़ा होता है लेटर का। तो कहता है ये तो मुझे चाहिए। तभी दुकानदार उसे वापस उसे छीन लेता है और तभी माजी काजा बताता है तुम ऐसे ही किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास उसकी वैल्यू का होना चाहिए जब भी तुम्हें उससे छू ले सकती हो उस प्रोडक्ट को। फिर रिको माजी काजा को बोलती है कि माजी काजा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ दिलाओ। तो फिर माजी काजा उसको एक्सप्लेन करता है कि ऐसे ही हम कुछ चीज़ नहीं ले सकते, तुम्हारे पास उसकी चेंज वैल्यू होनी चाहिए और या तो कुछ बार्टर के लिए कुछ लेन देन के लिए उसके लिए होना चाहिए। तभी कहती है मैं क्या दूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रेड कर सकती हूँ। देखिए वो इधर उधर चेक करती है अपने पॉकेटों में और कहती है मैं ये दूँ। तभी वो कहता है कि नहीं तुम अपने आप को ही बार्टर सिस्टम में लेन देन कर सकती हो और तुम्हारी तो बहुत अच्छी वैल्यू आएगी, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी स्किन की, तुम्हारी फैट की, ये तो बहुत ही है, ह्यूमन चिल्ड्रन की बहुत वैल्यू होती है यहाँ पर। और काजा आल्सो वांट, मुझे भी तुम्हारी चाहिए, अगर तुम किसी और को देना चाहो उससे पहले मैं तुमसे खरीदना चाहूंगा तुम्हारी वैल्यू। तो वो रिको कहती है मैं सेल के लिए नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे नेदर वर्ल्ड के नीचे नहीं एबिस के बॉटम तक जाना है एडवेंचर करते हुए। तभी काजा कहता है बहुत ही बुरी बात है, तो मैं गिव अप करता हूँ, यहाँ पर एक रूल है हम किसी की वैल्यू को स्टील नहीं कर सकते, बहुत बड़ा क्राइम है। तभी रिको कहते हैं मैं ऐसे गिव अप नहीं करूँगी, मैं तो खरीदूंगी, मुझे अपने बाल देने पड़े या अपने नेल्स देने पड़े मैं इसको खरीदूंगी। तभी वो कहता है तुमने देखा उसके जो हाथ में जो करेंसी थी जो उसने दिखाई थी काजा ने, उसके जो सिंबल्स थे वो सभी सेम थे। तभी कहता हाँ वो तो वही सिंबल है जो हमने वहाँ पे देखे थे। नानाची कहता है तो इसका मतलब माजी काजा को उस नोट के बारे में पता नहीं है जो हमारे नोट पे सिंबल बना के गया था। तभी रह एक आइडिया देता है कि हम क्यों नहीं इनसे इन्फो निकाले, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और वैसे भी अभी पुरस्कार का पता नहीं चला पुरस्कार का कौन लेके गया था वहाँ से छुपा के। तभी नानाची कहता है बहुत बढ़िया रैग, तुम सीख रहे हो, तुम अपनी एनिमे की टेरिटरी में कैसे घुल मिल के रहना है तुम सीख रहे हो तुम। तो रिको को कुछ दिखता है और कहता है रैग नानाची तो इधर आओ, देखो मैंने कुछ देखा अमेजिंग ही है बहुत। तो उधर देखते हैं छोटे छोटे जानवर होते हैं, कहते देखो हर्मिट ड्वेलर ये बहुत ही क्यूट होते हैं और ये देखो जिंदा है और ये देखो बेच रहे हैं इनको यहाँ पर। तभी वो पूछते हैं तो नानाची कहते देखो रिको तो इन्जॉय कर रही है इन सब चीज़ों को और देखते हैं तो बहुत क्यूट होते हैं छोटे छोटे जानवर मैनिया जैसे। तभी रिको पूछते हैं क्या तुम इसे इन सब इनको बेचते हो ऑफरिंग के लिए या इनको पेट के लिए बेचते हो या खाने के लिए बेचते हो। तभी माजी काजा उनको समझाता है कि ये सब कुछ एक बाटर सिस्टम है, सब कुछ कुछ ना कुछ बेचते हैं लेन देन करते हैं। दिस वन इसका नाम एनेबलिच है, इसकी वैल्यू इसके शरीर के आसपास छोटी मोटी चीज़ें छोटे जानवर घूमते रहते हैं तो ये उनसे ही बेचकर अपने उनको ही डिस्प्ले करता है, बार्टरिंग के लिए सामान खरीदता है। काजा आल्सो मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ,
तभी एक दूसरा दिखाया जाता है, ये साबे से है, ये अपने शरीर की पाइप्स को बेचता है, मिकासो ह्यूमन पार्ट की बॉडी को स्क्रैप करता है। तभी वो देखते हैं रिको कहती है तो सॉरी यहाँ पर तो बहुत इंसान के पार्ट भी रखे हुए हैं। अभी आगे चलते हैं, माचिकाजा उन्हें होलो सिस्टम के बारे में बताता है कि हमारी जो शेप होती है होलो की, वो हमारी एक्सपेक्टेड डिजायर जो हमारी चाहत होती है उसके ऊपर निर्धारित होती है, हम जो चाहते हैं। और जब हम होलो उसमें बदलते हैं तो हम इस एरिया से बाउंड हो जाते हैं, जो हमारे ये एबैरो एरिया है इसके अंदर ही हम रह सकते हैं और इसके बाहर हम रह नहीं सकते। और इसके एक्सचेंज में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, अगर हम यहाँ पे रहेंगे और इस बॉडी को अपनाएंगे तो हमारे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी एबीस के कर से, और हम यहाँ पर रह सकेंगे जितने दिन हम रह सकते हैं, और हमें अपने शरीर को त्यागना होगा और इस होलो की फॉर्म लेनी होगी। तो ये सब चीज़ बताने के बाद माचिकाजा नाची को कहता है हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो ओल्ड रिचुअल साइड से बनाया गया है और तुम्हारे डिजायर जो तुम्हारी होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तुम्हें ऐसा फ्लफी वन होलोफिकेशन मिली है और तुम्हें इंटेलिजेंस मिली है, तुम्हें ह्यूमन फाइड फॉर्म मिली है। तभी वहाँ पर सारे सिविलियंस जो होलोस होते हैं वे गैदर्ड हो जाते हैं टीम रिको के आसपास। रिको उन सबको देखकर कहती है कि तुम सभी लोगों का भी एडवेंचर करने का आए थे यहाँ पर एबिस में और तुम यहाँ पर फंस कर रह गए, तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर रुकूंगी तो नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ अपनी मेमोरीज शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या देखा क्या क्या सीखा और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेनिया जो होती है वो उछल कर एक होलो के ऊपर कूद जाती है, जो पिंक कलर का होलो होता है उसका माँ नाम होता है, वो माँ 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 करता रहता है, वो सिर्फ ये आवाज करता रहता है। रिको उसे कहती है तुम ये मेनिया है, इसका थोड़ा ध्यान से खेलना इसके साथ। जैसे इधर उधर देखते हैं तो मेनिया आवाज आती है उधर से दूसरी तरफ से कि मेनिया, और रिको की जो मेनिया होती है उसको वो होलो अपने हाथों से दबा देता है, खेल रहा होता है उसके हाथ उस पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और मेनिया को ज्यादा दबाने से उसकी जो आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं। तभी नानाची उसको देखता है और रिको पैनिक में आ जाती है, जैसे ही होलो ने उसको मेनिया को स्क्वीज किया तो उसकी आंखें बाहर आ गई और उसके गट्स पीछे से निकल गया। और नानाची उसको देखता है कि चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ी स्वेलन आ गई है, उसकी आंखों को अंदर कर देता है वो और उसके जो गट्स पीछे से निकला तो उसको पीछे कर देता है और कहता है अभी हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम मेनिया की हालत ठीक कर सके और उसका इलाज कर सके। रिको रो रही थी तभी वो कहती है कि माचिकाजा पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या है मेनिया की, वो तभी बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है रिको इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको इसके बहुत वैल्यू से बहुत ऊपर है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है बहुत तेज, अभी वो कहते हैं कि बैलेंसिंग का टाइप हो गया, माचिकाजा कहता है बैलेंसिंग का टाइप हो गया, अब जिसने जो जुर्म किए हैं उसका बैलेंस हो गया उसका हिसाब किताब होगा। और तभी वहाँ पर ब्लैक शैडो से निकल के आ जाती है उस आवाज को सुनकर, जो आवाज होती है शायद वो एक क्रीचर की या फापुटा की आवाज होती है। क्रीचर्स जिन जिन ने चुराया है जिन जिन ने वैल्यू डैमेज की है किसी की तो उन सबका हिसाब किताब करेंगे। जो पिंक कलर की जो माँ करके करेक्टर था उसने मैं को स्पीच किया यानी किसी दूसरे की वैल्यू को डैमेज किया तो यह उसको पकड़ लिया उन्होंने, जितनी भी शैडोज थी उन्होंने उसको माँ करेक्टर को पकड़ लिया और उसको उसके अंदर से जो उस चीज़ उसने छिपाई हुई थी माचिकाजा बताता है अब जो बैलेंस होगा, अब जितनी भी वैल्यू का डैमेज हुआ उसकी वैल्यू को माइनस किया जाएगा, उसके पास जो जो सामान है जो जो उसने छिपाया हुआ है जो जो उसने जमा किया हुआ है उन सबको माइनस करा जाएगा जितनी वैल्यू का डैमेज हुआ है। और उस अगर उससे भी ऊपर है तो उसके शरीर के पार्ट्स को अलग किया जाएगा, उस करेक्टर के पार्ट्स को अलग कर रहे थे शैडोस में सारी की सारी, उसके जो अंदर सामान था सारे निकाल कर उनको भी सबको माइनस किया जा रहा था और उसको जो वो पब्लिक थी आसपास उनमें बेचा जा रहा था और उनसे वो बाटा वो करेंसी वसूली जा रही थी, वो सारी की सारी करेंसी जब जितनी बनी और उस करेक्टर को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। नानाची माचिकाजा से पूछता है अगर चुराना ही इतना बड़ा क्राइम है तो तुमने पुरस्कार के साथ किया उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। तभी माचिकाजा बताता है वो यहाँ की नहीं थी, उसे बाहर से लाया गया था, वो हमने नहीं चुराया था, बाहर से आई हुई चीज़ों को यहाँ के विलेज की पावर प्रोटेक्ट नहीं करती, यह मैंने आपको पहले बताया नहीं होगा। इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने उसको नहीं चुराया था और वो जो करेंसी उसको रिको के हाथ में दे दिया उन शैडोज ने। और वो कहता है रिको कहते हैं क्या मुझे ये लेने होंगे पैसे क्या, वो तभी वो कहता है माचिकाजा कहता है तुम इनको गिरा नहीं सकते, अगर तुम इसको फेंकोगे इधर उधर तो ये वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये करेंसी तुम्हारे साथ जुड़ गई है, अब तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, अब जितना तुम्हारा डैमेज हुआ था तुम्हारी वैल्यू का उतने तुम्हें वापस मिल गई है, ये इस गांव का रूल है और इसमें जो प्रोटेक्शन है ये इसी के उससे है, हम इससे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी की वैल्यू को डैमेज नहीं कर सकते, इसे हम यहाँ पर सुखी उससे रहते हैं। पैसे ले लेती है और माचिकाजा वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे भी अपने शरीर के पार्ट्स को बेचना और अपने वेसल के लिए कुछ और चीजें खरीदनी है। और तभी वो कहते हैं रुको हमें मत छोड़ दे मत जाओ, तभी माचिकाजा कहता है अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ के सभी लोगों ने तुम्हारी वैल्यू को पता चल गया है, अब उन्होंने देख लिया कि उसका क्या हासिल होगा अगर तुम्हारे साथ कुछ करेंगे वो, तो वो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माचिकाजा वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम अपने आप अपने के लिए कोई हेनिस को ढूंढ लो यानी खाने पीने की जगह को ढूंढ लो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उनके जाने के बाद रैग वहाँ पे जो पब्लिक होते हैं उनसे पूछता है क्या तुम्हें कोई लॉज पता है यानी रहने का स्थान पता है, और वो उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे रैग की और रैग उनकी लैंग्वेज को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। तो वे तभी रिको पीछे से आकर कहती है हानिसुके और लेट कर दिखाती है जमीन पर कि हानिसुके खाना पीना हानिसुके। तभी वो उनमें से पब्लिक में से एक मेंबर उसको रिको को हाथ पकड़ता है और कहता है हानी 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 यानी खाना रहने की जगह, और उनको लेके चले उनको अपने साथ रिको टीम को लेके चले जाते हैं अपने साथ। तभी रैग कहता है क्या तुमने उनकी बातों को समझ लिया, तुमने कैसे समझा इसको। तभी वो रिको बताते हैं कि माचिकाजा ने अभी पहले ये सब यूज किया था खाना पानी के लिए रहने के लिए, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ यूज किया, वैसे भी मैं पहले अपने ऑर्फनेज में लैंग्वेज पढ़ती थी सारी तरह की लैंग्वेज और मैं वहाँ पर
टूर ट्रैवलिंग का भी काम करती थी, गाइडिंग का काम करती थी, तो मुझे इन सब चीज़ों का पता है थोड़ा। इतनी अच्छी तो नहीं थी मैं पहले, पर मैं समझ लेती हूँ थोड़ा मोटा। तो तभी डिको रैग उन्होंने सिखाते थोड़ा हमें संभल के रहना होगा। डिको जल्दबाजी कर रही है इन चीज़ों में और एक्साइटमेंट में वो कुछ ना कुछ करते जा रही है, ताकि उसको बाद में ये झेलना पड़े। वे एक होटल में पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमें एक रूम चाहिए तीन बंदों के लिए, और वो कुछ पैसे उसके सामने रख देती है, कहते हैं मुझे पता नहीं कितने देने हैं, तो सारे पैसे उसके सामने रख देती है और वो काउंटर रिसेप्शनिस्ट उसमें से पैसा ले लेती है और कहते हैं ये खाना भी चाहिए हमें। और कहते हैं लड़की को कहती है मुझे ये पैसे यूज करने में थोड़ा गंदा लग रहा है, पर क्या करूँ तुम करना पड़ेगा। नाची कहता है क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लेस चाहिए जहाँ मैं ट्रीट कर सकूँ मैनिया को। तो वो होटल रूम में पहुंचते हैं, उसमें होटल दिखाया जाता है ऐसे ही पत्थरों का बना होता है, और टॉयलेट दिखाया जाता है, टॉयलेट में फूल सा बना होता है कुछ ऐसे ही, ये चीज़ देखे। और उनके सामने खाना होता है, उस खाने हरा हरा कलर का खाना होता है जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और उसके ऊपर मक्खियाँ भी नकली होती हैं। तभी ये तीनों देख कहते हैं खाना पड़ेगा हमें। नाची उसको एक चम्मच चखता है सबसे पहले और कहता है इतना बेकार भी नहीं है, और वे खाते हैं। और उधर दूसरी तरफ रैग देखकर चौंक रहा होता है, तुम्हें खाना चाहिए ये देखने में भी अच्छा नहीं है और इसके ऊपर इंसेक्ट्स यानी मक्खियाँ घूम रही है, तुम श्योर तो होना नाची? रैग ये कहता है। तभी नाची को कहती है चिंता मत करो सब ठीक है, हमें सब चीज़ खानी चाहिए और ये फ्लेवर जो कभी भूला ना जा सके ऐसी ऐसी, और हमें अपने एडवेंचर में सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ये यादों के लिए अच्छा होता है। तभी वो खाती रहती है खाती खाती है, जब तो खा लेती है, और फिर कुछ समय पर उसके पेट में बहुत दर्द हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो अपने पेट को पकड़ कर बेड पर पड़ जाती है। तभी रैग कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि तुम इतना कम मत खाओ, तुम इंसान हो, हम तो एबीस के हैं इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारे पेट को ठीक करने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा, नाची कहता है। तभी वो कहते हैं अभी रिको कहती है हमें चलो जल्दी सही कुछ ना कुछ ट्राई तो किया, नहीं तो बाद में कुछ होता तो पहले ही पता चल गया। तभी रिको को फिर बाथरूम जाने का टाइम आ जाता है और ननाची कहता है आप तो इसका पूरा दिन आधे से ज्यादा दिन इसका बाथरूम में इसका कुछ नहीं कर सकते। और वे बाहर की तरफ जाते हैं रिको ननाची और रैग, और कहते हैं कि अभी उसकी रिको के लिए कुछ ढूंढ के लाना होगा खाने पीने के लिए कुछ अच्छा, और वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं कि रैग मेरे साथ चलोगे। तभी वो देखते हैं कि कुछ बहुत सारी भीड़ किसी तरफ जा रही होती है और वहाँ पर एकदम भूकंप सा आता है, कुछ आवाज सी तेज होती है, कहते हैं अब ये क्या कमोशन है बाहर के। ननाची माटी कहता जा रहा होता है, उसे पूछता है कि यार क्या कमोशन है, राजा बताओ क्या हो रहा है ये। माजी काजा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि यह सब जो प्रमोशन हो रहा है वो फापुता कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि फापुता एक अवतार है जो बहुत ही गुस्से में रहता है हर समय और वो कभी मर नहीं सकता। और ननाची अब सोचता है और कहता है कि फापुता हर जगह कहीं भी जा सकता है बाहर आउटसाइड में, और ननाची और रैग सोचता है कि फापुता ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है पुरस्कार को उठाने के लिए, उसने ही वहाँ से चुराया और उसने ही हमें यहाँ पर लाया होगा, जो कि एपिसोड 2 में चुरा के लाया था उनके केव से, और ये फापुता का ही काम है, ये सब चीज़ देखता है। पर ननाची रैग को बोलता है कि तुम एक वो रिकॉन करके आओ, तुम स्काउट करके आओ उधर जाकर, हम दोनों नहीं जा सकते हैं और तुम अकेला जाना होगा, तुम देख के आओ पर कुछ कदम मत उठाना और दूर से ही देखना, और हम ऐसे ही इमोबाइल रिको और मैनिया को नहीं छोड़ के जा सकते। और वो रैग उधर की तरफ चला जाता है, ननाची वहीं रह जाता है। ठीक है, ननाची से पूछता है ह्यूमन लड़की है उसको क्या हुआ, तो ननाची बताता है उसको उसके पेट खराब हो गया है, अब क्या बताएं उसने ज्यादा खाना खा लिया और जो उसको सूट नहीं किया। तभी मजी का घबरा जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी वैल्यू डैमेज हो सकती है अगर वो बीमार हो गई तो, अब ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ननाची कहता है क्या तुम हमें खाना पानी ढूंढवा सकते हो, कहाँ मिलेगा क्या बता सकते हो। तभी मजी का बताता है मैं तुम्हें गाइड करूंगा, ऐसे तो मैं होने नहीं दे सकता हमारे ह्यूमन वैल्यू को, और वो कहता है मैं तुम्हें गाइड करूंगा, और वो बिचल जाता है कि मुझे तो फापुता को भी देखने जाना है, क्या करूँ ऐसे करता है और ननाची से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी कहता है तुम्हें चुनना होगा तुम्हें क्या करना चाहिए, और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती है गेट के बाहर, और वहाँ से उन भीड़ में से निकलकर रैग बाहर निकलता है और वो देखता है कि उनके उसके सामने एक रोबोट होता है, और उधर दूसरी तरफ ननाची रैग से उसे माटिका जैसे पूछता है कि आखिर फापुता है क्या तुम बताओगे, तो वो बताता है कि वो होलो प्रिंसेस है, वो जो फापुता का मतलब है उसका मतलब है एक बड़े ओहदे की औरत, यानी तभी ननाची कहता है इसका मतलब वो कोई प्रिंसेस वगैरह होगी। तभी माजी का जब बताता है अंडरस्टैंड करके सारी बातों का, हाँ वो हमारी होलोस जितने भी हम होलो हैं उसकी प्रिंसेस है, और वो जो बाहर रोबोट होता है जिसको रैक देखा होता है उस रैक के ऊपर एक होलोफिकेशन टीचर से खड़ा रहता है उसके ऊपर, जो शायद फापुता ही होगा। और ये सीन यहीं पर खत्म होता है, और ये सीन एकदम ट्रांसफर होकर हमारे पास जो बैक स्टोरी चल रही थी उनके वैंकोवर की वहाँ पर दिखाया जाता है, और जो होलो प्रिंसेस होती है उसकी इमेज को कनेक्ट करके जो वो येलो कलर बाल वाली लड़की उनको मिली थी उनके साथ जो कि गाँव से बैनिश की हुई थी उसको जोड़ा जाता है, शायद ये उससे कुछ रिलेटेड होगी। तो वो देखते हैं कि वहाँ जो क्रू होता है उनका सामना भी इन रोबोट से होता है गोल्डन सिटी में, और उनका जो लीडर होता है वेंजो वो कहता है कि आखिरकार हम गोल्डन सिटी में पहुंच गए, और बहुत ही बड़े एडवेंचर के बाद, बहुत ही टीडियस एडवेंचर के बाद हम गोल्डन सिटी पहुंचे, और उनके सामने कुछ रोबोट्स होते हैं जिनकी भाषा को वो समझ नहीं पा रहे, वे दोनों भी आपस में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं जैसे रिको की टीम कर रही है वैसे ही वे रोबोट्स के साथ भाषा को समझ पा रहे हैं, और वे कुछ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। बिलाफ कहता है शायद ये हमारे एक्सप्रेशन हमारे हाव भाव को देखकर हमारे इरादे जानना चाहते हैं, और शायद हमारी लैंग्वेज भी पता कर पा रहे हैं। तभी वेंजिक कहता है उनका जो लीडर होता है इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, और वो सभी जो रोबोट्स होते हैं वो कहते हैं आओ हमारे पीछे, उनकी आवाज़ को बदल लेते हैं अपनी को और उनको अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। तभी बिलाफ और वेंजिक कहता है शायद ये हमें अपने पीछे आने के लिए कहते हैं और हमें जाना चाहिए और क्या कर सकते हैं हम, और वे उनके पीछे जाते हैं और वो सारे रोबोट्स उनको गोल्डन सिटी के पास ले आते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही डैमेज होता है जैसे अब है, और वो देखते हैं कि आखिरकार हम पहुंच गए गोल्डन सिटी। तभी जैसे ही रोबोट्स कुछ अपने इंट्रोडक्शन दे रहे थे उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वहाँ पर तबाही मचाने लग जाता है, वहाँ पर कुछ बहुतों को घायल कर देता है। तभी यह देख कर कहता है वेंजो कितने बड़े टेडियस एडवेंचर के बाद आखिरकार हम पहुंचे और अभी भी हमें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना होगा यहाँ पर रहने के लिए, और ये मेमोरीज क्या हम रिमेंबर याद रख पाएंगे अपनी। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है कि यहाँ पर बैंकों का
चेहरा दिखाया जाता है लास्ट में, सभी चौंक रहे होते हैं अभी हम इस सिचुएशन से कैसे निकले और यहाँ पर कैसे रहे, कैसी परिस्थितियों को अपने संभाले, और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपके एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका बेल आइकन में आपको मिल जाएगा लिंक, और मैं मिलता हूं आपको एपिसोड 4 में। अगर आप इस एपिसोड को प्यार दिखाओगे तो मैं एपिसोड 4 इसका जल्दी बनाऊंगा, और कृपया आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाते रहने का। फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 4 में।